गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं एनी और आज हम लोग एक वर्सेटाइल प्लान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये जो प्लांट है ये आपके घर की एयर को प्योरीफाई करता है और आपको हेल्दी बनाता है, तो इसलिए इसका नाम मनी प्लांट रखा गया है। बट इसका नाम है पोथोस। मेरा लास्ट वीडियो में अगर आप लोग ने देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग इसके वेराइटीज के बारे में बात किया था, बट इस वीडियो में हम लोग इसके केयर, प्रोपोगेशन, फर्टिलाइजर, मिट्टी, सनलाइट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो मनी प्लांट के बारे में कई लोग अलग अलग बातें करते हैं, लाइक अगर आप घर पे मनी प्लांट रखोगे तो घर पे पैसा आएगा, गुड लक आएगा। मुझे ये तो गाइस पता नहीं कि मनी प्लांट अगर आप घर पे रखोगे तो पैसा आएगा कि नहीं, लेकिन एक बात मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी तरह से अपना काम करोगे तो पैसा आएगा ही जरूर। गाइस, ये जो मनी प्लांट है ये काफी कॉमन हाउस होल्ड प्लांट है, आप लोग ने देखा होगा हर जगह में। इसको दो तरह से आप ग्रो कर सकते हो, एक तो है आप सॉइल में लगा सकते हो जैसे कि मैंने इसको सॉइल में लगाया है, और दूसरा आप पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं गाइस, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसका जो पानी है ये फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी सप्ताह भर, महीना भर भी कोई कोई नहीं चेंज करते तो उसमें फंगस भी आ सकते हैं, इसलिए इसका जो पानी है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिएगा। मनी प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, इसको ब्राइट लाइट पसंद है बट डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं है। आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए, नहीं तो आप अगर घर के अंदर रख रहे हो तो विंडो के साइड में रख दीजिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलता है, नहीं तो आप बेलकनी में रख दीजिए जहाँ पे इवनिंग का जो धूप है, नहीं तो सुबह की जो धूप है उसको दिखा दीजिए, तब आपका ये जो मनी प्लांट है ये काफी खुश रहेगा। चले गए सभी इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट बात है। जब भी इसका सॉइल मिक्सचर बनाओ आप इसमें गार्डन सॉइल 1/4 होना चाहिए, 1/4 कोकोपीट, 1/4 कंपोस्ट और 1/4 इसमें सेंड मिलाना पड़ता है। सेंड इसलिए ताकि जब भी आप पानी दो वो आराम से इजिली ही ड्रेनर हो जाए, और कोकोपीट इसलिए ताकि जब भी आप पानी दो, पानी में न्यूट्रिशन होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा, और प्लांट को न्यूट्रिशन काफी जरूरत होता है, जैसे हम लोग को न्यूट्रिशन जरूरत होता है प्लांट को भी न्यूट्रिशन जरूरत होता है। तो जब भी आप पानी दो ये तो जब आप सेंड मिलाओगे तो वो ड्रेनर हो जाता है, लेकिन आप जब कोकोपीट इसमें मिक्स करते हो तो वो जो पानी है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है। चले गए सभी इसकी फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग जैसे कि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सेम प्लांट को भी फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन की जरूरत होता है, इसीलिए आप 3-4 महीने के बाद फर्टिलाइजर दे सकते हो। मैं तो गोबर की खाद देती हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोग को बताया है, मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट देती हूँ, नहीं तो गोबर का खाद देती हूँ, आप लोग भी दे सकते हो। मनी प्लांट को चाय बहुत पसंद है, आप एक काम कर सकते हो, रात में आप थोड़ा चाय पत्ते पानी में मिलाकर थोड़ा रात को रख दीजिए और सुबह जब हो जाएगा उसका स्प्रे कीजिए, उसके बाद देखिए आपका जो ये मनी प्लांट है कितना खुश रहेगा और काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। मनी प्लांट को फ्रीक्वेंटली पानी देना चाहिए बिकॉज एज आई टोल्ड पानी में न्यूट्रिशन होता है और सभी प्लांट के लिए न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी होता है, बट ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो ये जो मिट्टी है वो ज़्यादा गल जाएगा और उसका रूट जो है वो गल के ये सड़ भी जा सकता है और आपका प्लांट मर सकता है, इसीलिए जैसे कि नवंबर से लेके फरवरी तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है गाइस ये थोड़ा स्लो ग्रो होता है इस टाइम में, नवंबर से लेके फरवरी तक, इसलिए इस टाइम में थोड़ा कम भी पानी देना चाहिए, जैसे कि आप 3-4 दिन के बाद आप एक बार पानी दे सकते हो। प्रोपोगेशन और रिपोर्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग साल में एक बार आप कर सकते हो, और प्रोपोगेशन जो है ये काफ़ी ईजी होता है, इसको आप काट के आप अलग से आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो और पानी में भी आप रख के ग्रो कर सकते हो। पानी में थोड़ा स्लो ग्रो होता है, जैसे कि पानी में कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा इसका रूट्स निकलना, लेकिन आप कटिंग करके लगाते हो तो काफ़ी इजीली 1 महीने में आप इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब भी आप इसको कटिंग करते हो गाइस एक बार देख लीजिए, काफ़ी नरम जो है उसको मत काटिए, जैसे कि अभी मैं कौन सा दिखाऊँ, रुकिए, ये जो है ये देखिए इसमें नोट्स निकलना शुरू हो गया है, ऐसा जो हार्ड होता है थोड़ा बड़ा होता है इसको आप काटिए, और काट के आप इजीली ग्रो कर सकते हो और उसके बाद ढेर सारा आपके घर में मनी प्लांट हो जाएगा। सो गाइस, ढेर सारा अपना घर पे मनी प्लांट लगाइए और अपने घर को प्योरीफाई कीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।